चंद्रयान 3 पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और देश ही क्यों, वैश्विक जगत में भी चंद्रयान 3 चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा भेजे गए लूना 25 मिशन की असफलता के बाद अब सबकी उम्मीदें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर टिकी हैं। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इतिहास रचने को तैयार है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट, जिसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहा जा रहा है, बेहद अहम होंगे, या यूं कहें कि खौफनाक होंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के समय लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, इसलिए इसरो इस बार बेहद सतर्क है। लेकिन प्रश्न ये है, अंतिम 15 मिनटों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर क्यों कहा जा रहा है? दरअसल किसी भी स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान 3 भी इसी प्रक्रिया में पहुंच चुका है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर भी ऑर्बिट से निकलकर सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। अंतिम 15 मिनटों में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस प्रक्रिया में इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता। इस दौरान लैंडर को सही समय, ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल कर लैंडिंग करनी होती है। यही कारण है कि इसी समय को लास्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर इससे बाहर निकलेगा, क्योंकि लैंडिंग के दौरान उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए प्रज्ञान रोवर 2 घंटे बाद लैंडर से बाहर निकलेगा। रोवर इसके बाद सतह से बेहद अहम जानकारियां जुटाएगा।